suggest the ways to prevent and minimize the effect of natural disasters. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Our students, हम देखेंगे कि क्या तरीके हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको कम हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इससे बचा जा सकता है. मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इसके लिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी होंगी इससे बचने के लिए, इनको कम करने के लिए. तो सबसे पहले उसमें है बी प्रिपेयर्ड. मेंटली आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आप उस एरिया में अगर रहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स वाले में, ये बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, कुदरती आफात बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके बचने के लिए आप अपनी तैयारी रखें. उसमें क्या है कि आप फूड स्टोर रखें, पीने का पानी जो है वो अपने पास स्टोर रखें, मेडिकल किट्स या फ़र्स्ट एड किट्स जो हैं वो अपने पास आप रखें. और इसके अलावा आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि अगर नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, कोई कुदरती आफत आपके एरिया में आती है, तो वो कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा महफूज मुकाम है जो आप अपने घर को या जगह को छोड़कर वहाँ पर मुंतकिल हो सकते हैं कुछ अरसे के लिए. नंबर टू ये कि आप बी इन्फॉर्म्ड, आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन. आप जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उससे हमें टीवी से, नेट से, रेडियो से, हमें हर चीज़ पर बताया जा रहा होता है कि वेदर की क्या कंडीशन है. फोरकास्ट आ रही होती है वेदर की कि अब तेज़ बारिशें आएंगी, ये इतने एरिया में इतने अरसे तक इतने ड्यूरेशन में सैलाब आ सकता है, या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में मुसलसल आगाह किया जा रहा होता है. तो हमारी ड्यूटी ये है, हमें इन्फॉर्म रखना है अपने आप को, वेदर कंडीशन से अपडेट रखना है. इसके अलावा जितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी सुनना है हमें, उसके बारे में हमारी तैयारी होनी चाहिए, सुनना चाहिए, बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही होती हैं उसको फॉलो भी करना चाहिए. इसके अलावा जो तीसरा स्टेप हम ले सकते हैं वो ये है कि प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी. आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपको अगर ये चीज़ पता है कि आप उस एरिया में रह रहे हैं, आपकी रिहाइश उस एरिया में है जहाँ पर कुदरती आफात बहुत ज़्यादा आती हैं या आने का खदशा ज़्यादा होता है, ख़तरा ज़्यादा होता है, तो आपको अपने घरों को महफूज बनाना चाहिए, या वो जगह जहाँ पर आप रह रहे हैं उनको महफूज बनाना चाहिए. मिसाल के तौर पर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि घरों की छतों पर ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं जो तेज़ हवाओं से उसे महफूज रख सकती हैं, गिरती नहीं है. यानी कि मज़बूत हमें घर या बिल्डिंग्स जो हैं वो मज़बूत बनानी चाहिए जो कि तेज़ हवाओं को या तूफ़ानों को बर्दाश्त कर सकें. इसके अलावा हेल्प अदर्स, यानी कि आप दूसरों की मदद करने का ख्याल भी जहन में रखें. अपनी तो हिफाजत हम के बारे में सोच ही लेते हैं, लेकिन हमें दूसरों का ख्याल भी रखना है कि जो लोग मुश्किल में हैं उनकी हेल्प की जाए, या जो रिलीफ कैंप्स कायम हैं उनको आप फूड, पानी या मेडिसन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि इस तरह दूसरों की हेल्प हो जाए, जो लोग महफूज नहीं रह सके इन आफात से, उनके लिए आप हेल्पफुल हो सकते हैं. इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, यानी कि हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको महफूज बनाएँ या उसको प्रोटेक्ट करें. उसके लिए हमें स्टेप्स लेने होंगे, इस तरह की चीज़ें करनी होंगी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स के ख़तरे से हम महफूज रह सकें, ताकि वो ज़मीन या वो जगह जहाँ पर हम रह रहे हैं उसकी बका के लिए ये चीज़ ज़रूरी है. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ऑयल, गैस और पेट्रोल जो है इसका यूज़ कम कर दें, इसकी जगह हम वॉक करें या साइकिलिंग की आदत अपना लें, ताकि कम से कम जो धुआं है वो हवा में जाए, पोल्यूशन कम हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें नेचुरल डिज़ास्टर्स का ख़तरा कम हो जाए, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी के साथ अटैच हैं. इसके अलावा जितना कम हम एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे उतना माहौल हमारे लिए अच्छा होगा. वेस्ट मटेरियल जो है वो हवा जो है वो रिसाइकिल चीज़ें इस्तेमाल, रिसाइकिलिंग का प्रोसीजर अपनाएं, ताकि वो चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके, ताकि वेस्ट जो है वो उसका कम हो. इसके अलावा इको फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करें, घर में भी अप्लाइंसेस ऐसे इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हवा की आलूदगी जो है उस पर काबू पाया जा सके. ऑयल, गैस और इनकी जगह आप रीन्यूएबल हम एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी हासिल करने के लिए हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम माहौल को साफ़ रख सकें.
इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम अपना सिर्फ अपने लिए बल्कि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को एक साफ माहौल प्रोवाइड कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, अल्लाह हाफिज़।